शिवाय। शिव भक्तों को मेरा नमस्कार। किसी भी मंत्र या स्तोत्र का अर्थ समझकर उसे पढ़ने तथा सुनने का आनंद और भी बढ़ जाता है। शास्त्रानुसार भी मंत्र या स्तोत्र के अर्थ को समझकर उसे पढ़ने से वह अधिक फलदायी माना जाता है। तो आइए इस वीडियो में हम श्री रुद्राष्टकम का हिंदी में अर्थ जाने। पहला श्लोक है, नमामि शमी शान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। अर्थात, हे मोक्ष स्वरूप, सर्वव्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर, सबके स्वामी भगवान शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। निज स्वरूप में स्थित अर्थात माया आदि से रहित, गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर, मैं आपका पूजन करता हूं। दूसरा श्लोक है, निराकार मोंकार मूलम तुरियम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तोहम। अर्थात, निराकार ओंकार के मूल तुरीय तीनों गुणों से अतीत वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल कृपालु गुणों के धाम, संसार जिसका पार न पा सका, ऐसे परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूं। तीसरा श्लोक है, तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन मौली कल्लोलिनी चारु गंगा लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा। अर्थात, जो हिमाचल के समान गौर वर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके शीश पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और कंठ में सर्प शोभायमान है। चौथा श्लोक है, चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम बुन्नमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। अर्थात, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी एवं विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म धारण किए हुए मुंडमाल पहने हैं, सबके प्रिय सबके नाथ शिव जी का मैं पूजन करता हूं। पांचवा श्लोक है, प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयः शूल निर्मूलनम शूल पाणिम भजेहम भवानी पतिम भावगम्य। अर्थात, प्रचंड रुद्र रूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले तीनों प्रकार के शारीरिक मानसिक
और आध्यात्मिक दुखों का नाश करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भक्ति भाव से प्राप्त होने वाले भवानी पति को मैं भजता हूं। छठवां श्लोक है, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहा पहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभु मन मथारी। अर्थात कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन मोह को हरने वाले, आप प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। सातवां श्लोक है, नयावद उमानाथ पादारविंदम, भजंती है लोके परेवा नराणाम, नताव सुखम शांति संतापनाशम, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। अर्थात हे पार्वती पति, जब तक मनुष्य आपके चरण कमलों को नहीं भजता, तब तक उसे न तो इहलोक में न परलोक में सुख शांति मिलती है और न ही दुख संतापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले प्रभु, प्रसन्न होइए। आठवां श्लोक है, न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, न तोहम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम, जरा जन्म दुखौ घता तप्यमानम, प्रभो पाहि आपन नमामि शशंभु। अर्थात मैं न तो जप जानता हूं, न तप और न ही पूजा। हे शंभु, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमन करता हूं। बुढ़ापा और जन्म मृत्यु के दुखों से जलाए हुए मुझ दुखी की दुखों से रक्षा करें। हे भगवान शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूं। रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। अर्थात यह रुद्राष्टकम् शंकर जी की स्तुति के लिए है। जो मनुष्य इसे प्रेम भाव से पढ़ता है, भगवान शंभु उस पर प्रसन्न होते हैं। इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतम श्री रुद्राष्टकम संपूर्णम। अर्थात इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रुद्राष्टकम संपूर्ण होता है। ओम नमः शिवाय।